आज है मेन फंक्शन, आज है एंगेजमेंट पायल का। तो चलिए सुबह से तैयारी सारी वही चल रही है और सारा काम हो गया और अब चलते हैं लोकेशन पर जहाँ पर एंगेजमेंट होगा। तो चलिए चलते हैं बैंक्वेट हॉल में और वहाँ पर क्या क्या फंक्शन होगा दिखाएंगे। सुबह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाता, तो जो भी मेन फंक्शन रहेगा वही शूट करके आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो पूरी ब्लॉग में बने रहेगा। अगर आप सभी को ब्लॉग जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्या क्या सामान हम लोग छेका में चढ़ाएंगे रोका में चढ़ाएंगे वो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, एक बार आप भी एक झलक ले लीजिए। तो चलिए हमारे पूजा घर में रखा हुआ है, सबसे पहले देवी देवताओं को अपना हमने दिखा दिया है क्या सामान हम दे रहे हैं चढ़ाएंगे, उसके बाद से अब चलिए आप लोगों की बारी है, आप लोग भी देख लीजिए। ये देखिए ये सारा सामान छेका में चढ़ाने के लिए है, अपने देवी स्थान पर यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। और ये रहा लड़के का कपड़ा अंदर में है, और ये है स्वीट्स वगैरह। तो यहाँ पर आपको रिंग भी दिखा देते हैं जो लड़के को चढ़ाया जाएगा। बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त है इस तरीके का रिंग का बॉक्स है। ये देखिए मेरी और एक बहन आ गई, मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन पूनम। और एक बहन को आप सभी ने कल देखा ही है और ये मेरी छोटी बहन है, टाटा से आई है। इधर माँ है, इधर रश्मि है, कल बताए थे ना मेरी बहन, ये एक बहन है, एक अभी दिखाए वो है। आज सरस्वती पूजा है तो दोनों साड़ी पहनी है। आज है पायल का एंगेजमेंट, पायल के लिए बहुत ही स्पेशल डे है तो साड़ी तो पहन ली है, अब इसका मेकअप वगैरह करना बाकी है। तो फाइनल लुक आप सभी बाद में देखिएगा। मेरे मायके वाले सभी को ही आ गए, मम्मी आ गई, रश्मि आ गई, पूनम आ गई, पायल आ गई, सहेली आ गई, सबको ही आ गया। मम्मी आपका बाल बाल खराब हो गया है। तो अब चलते हैं हम सभी दोपहर का खाना खाने के लिए, एक तो बजी गया है तो अब दोपहर का खाना खाएंगे दाल चावल, उसके बाद से सारा जो छेका का प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम सभी बैंक्वेट हॉल में पहुँच चुके हैं और यहाँ से स्टार्ट होगा छेका और रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम। तो सबसे पहले लड़के को यानी कि संदीप को छेका चढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर पायल को चढ़ाया जाएगा। तो चलिए आप सभी हमारे साथ पूरे व्लॉग में बने रहेगा और पूरा जो छेका का प्रोग्राम है, रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम आप सभी देखिएगा। तो मैं इस छेका के व्लॉग को दो पार्ट में डिवाइड करके शेयर करूँगी क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा है। तो फर्स्ट पार्ट में आप सभी छेका का प्रोग्राम देखिएगा और सेकंड पार्ट में जो है आप सभी रिंग सेरेमनी और एंगेजमेंट का प्रोग्राम देखिएगा और क्या क्या खाना पीना है, क्या क्या मेन्यू है वो सभी आप देखिएगा। तो यहाँ पर लड़के को छेका चढ़ाया जा रहा है, संदीप को छेका चढ़ाया जा रहा है। तो मैं तो ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी, मैंने यहाँ पर म्यूज़िक लगा दिया है। सारा ब्लॉग आप लोग देखिए, सारा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर संदीप का जब छेका चढ़ रहा था उसका तो वीडियो मैंने बनाया, लेकिन पायल का जब छेका चढ़ाया जा रहा था उस समय मैं बिज़ी थी और उसके साथ ही बैठी थी तो ब्लॉग नहीं बन पाया, तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं। उसका छेका का कोई भी ब्लॉग नहीं बना है। तो चलिए यहाँ पर छेका चढ़ने के बाद क्या क्या सामान मिला है वो मैं आप सभी को दिखा दूँगी, तो आप सभी देखिएगा। तो चलिए एंगेजमेंट का जो वीडियो रहेगा वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा और क्या क्या खाने पीने में और मेन्यू में है वो आप सभी देखिएगा, पॉसिबल हो पाए तो मैं दिखाऊँगी।
और यहाँ पर फाइल रेडी हो गई है। ये है पायल का छेका वाला लुक। पायल का छेका चढ़ गया है, पायल को ये सब सामान मिला है। देखिए और पायल का जो ड्रेस है, गाउन वगैरह, वो वहीं पर छोड़ कर आए हैं। पायल अभी रेडी हो रही है और हम लोग घर पर आ गए हैं। हम लोग भी रेडी होकर जा रहे हैं। अब रह गया है रिंग सेरेमनी का रसम, एंगेजमेंट का रसम रह गया है। तो चलिए, मैं महारानी के पास यहाँ पर मैंने जो तो चढ़ा हुआ था वो मैंने यहाँ पर माता रानी के सामने यहाँ पर अर्पण कर दिया है। तो अब चलते हैं, पार्टी के लिए तैयार शैर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे से छेका हो गया, पायल का संदीप का छेका हो गया। अब है रिंग सेरेमनी का रसम, वो भी होगा। तो चलते हैं, तैयार हो जाते हैं और फिर चलते हैं रिसेप्शन पर। Thank you.